कानपुर में प्रेमिका की फोटो के पीछे सुसाइड नोट लिखकर एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लड़की को परेशान ना करने की बात भी लिखी है। मूल रूप से जालौन का रहने वाला युवक काकादेव के हितकारी नगर के हॉस्टल में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मूल रूप से उरई के निवासी रिटायर फौजी ज्ञानेंद्र सिंह चौहान का बेटा शिवम हितकारी नगर में लालजी वाजपेयी के हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शिवम ने हॉस्टल के कमरे में चद्दर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कमरे में शीशे के ऊपर एक लड़की का फोटो बरामद हुआ है, जिसमें शिवम ने लड़की की बेवफाई के कारण सुसाइड करने की बात लिखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शिवम सिंह चौहान नामक एक 21 साल का युवक जो अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड किया है, तो उसे वो हमारे संज्ञा में है, जांच भी चल रहा है। उन्होंने एक दो लाइन एक पन्ने के ऊपर लिखा है, जिसमें एक लड़की का नाम भी लिया है। ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप तो नहीं था, बस ऐसे ही कोई प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला लग रहा है मौखिक रूप से। तो लड़की से भी पूछताछ की जाएगी, बाकी अन्य एंगल्स में हम इसको जांच करेंगे और जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आपको अवगत कराएंगे। सर, इसमें जो सुसाइड नोट पाया गया है वो लड़की की फोटो के पीछे सुसाइड नोट है, इसका क्या कारण? नहीं, वही वही हम देख रहे हैं, बस एक दो तीन लाइन उन्होंने ऐसे लिखा है कि तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि इनको परेशान ना किया जाए। तो एक बार हम उनसे जब पूछताछ करेंगे तभी पूरा मामला का निष्कर्ष होगा और फिर जो भी सूचना मिलेगी या जो भी निष्कर्ष आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।